नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स का। इन दोनों स्टॉक्स ने आज शेयर मार्केट में एकदम गजबी धूम मचाई है। पहला स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया और दूसरा है एटीजी। तो दो ग्रेफाइट इंडिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रेफाइट में डील करती है। जो हमारी एटीजी है वो मेनली कार्बन और ग्रेफाइट में डील करती है। तो आज हम देखेंगे कि इनके इतने भागने के रीजन क्या हो सकते हैं, साथ ही चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे और टारगेट प्राइस को ढूंढेंगे। इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अलग पैन नंबर से अकाउंट खुलवाइए तो आईपीओ में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स इतने भागे क्यों। तो दोस्तों, आप सभी को शायद पता हो कि इस गिवन वीक जो हमारा आ रहा है, इसमें एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों के ही रिजल्ट्स आने हैं। तो मुझे जो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं कि खराब आने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा होता है। तो हो सकता है इस वजह से इसके भागने का इतना ज्यादा रीजन हो कुछ दिनों में। और तो ऐसा कई न्यूज मुझे कुछ मैंने काफी ढूंढा था, मिली नहीं। एक बस यही रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो इसके पहले इसको भगाया जा रहा है। और ये ऑपरेटर एक्टिविटी भी हो सकती है रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, तो इसमें आप बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो अगर मैं दोस्तों इसकी वॉल्यूम देखूं तो ये देखिए, यहाँ पे काफी कितना स्लो चल रहा था, फिर ये देखिए एकदम से ही इसकी वॉल्यूम एकदम बढ़ने लगी। ये देखिए, पिछले दो दिनों में इसमें वॉल्यूम में एकदम खतरनाक तरह से आपका इजाफा हुआ है। आरएसआई देखिए दोस्तों, इसकी ये वन मंथ की आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, 70 के पास है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा ओवरबॉट जोन के आसपास है। तो बहुत सोच समझ के इसमें हमें नई पोजीशन बनानी है। अगर दोस्तों मैं इसका चार्ट देखूँ छोटे टाइम स्केल पे, ये मैंने केवल 5 डेज का देखा है, चार्ट खोला है पिछले 5 दिनों का, ये देखिए तो यहाँ पे इसने क्या गजब ब्रेकआउट दिया। और अभी ये फिर देखिए, ये आपका ब्रेकआउट दे दिया था इसको जो देना था सुबह 10:30 बजे के आसपास, उसके बाद से ये कंसोलिडेशन मोड में है दोस्तों। तो कल ये हो सकता है कि फिर से आपको एकदम अच्छे से अप्राइस दिखाए। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिले इसमें 5-6% की, तो इसमें मत घुसिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी चांस है कि इसमें पुल बैक आ सकता है। और जब पुल बैक आ जाए और फिर से ये रिवर्सल दिखाए, तब आप इसे इस प्राइस के आसपास खरीदने का सोच सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हम जो परचेज करेंगे वो केवल मोमेंटम कैप्चर के लिए करेंगे, तो मैं बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉसेस को सजेस्ट करूंगा, 1160-70, इससे ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। आइए दोस्तों, अब हम इसका एचईजी का लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं, 5 ईयर का। तो दोस्तों, अगर मैं इसका 5 ईयर का चार्ट देखूं तो मैं देखूंगा ये स्टॉक एक समय 4000-5000 के आसपास भी पहुंचा था 18 में, और उसके बाद देखिए ये स्टॉक एक टाइम ऐसा आ गया था कि 433 हो गया था। मतलब जिसने अगर यहाँ पे खरीदा होगा उन लोगों की सोचिए, और अगर वो निकले नहीं होंगे तो उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। इसीलिए दोस्तों, स्टॉप लॉस की क्या महत्व होता है इस टाइप के शेयर से आपको देख के पता चल जाता है। ये देखिए, ये स्टॉक ने कितनी भयंकर राइज दिखाई, 15 जून 2017 को ये स्टॉक आपका 231 था, फिर समझ जाइए एक साल के आसपास में ये स्टॉक 200 से 4000 का हो गया, मतलब 20 गुना हो गया एक साल में, और फिर उसके बाद वो वापस इतनी ही तेजी से कम भी हो गया। और अब ये काफी टाइम से आप कह सकते हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो कंसोलिडेशन मोड में है। बट इन सब स्टॉक्स को देख के हमें ये पता चल जाता है कि स्टॉप लॉसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं स्टॉप लॉसेस पे काफी अहमियत देता हूं। तो दोस्तों, अगर इसका मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे ही इसका मैं हम लोग टारगेट निकाल पाएंगे, तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1400 रुपए के आसपास का निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म टारगेट। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें 2200 तक के टारगेट्स को लेके चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर इसमें आपको स्टॉप लॉस जो अच्छा निकल के आ रहा है वो 1000 रुपए के आसपास का निकल के आ रहा है, 1056 एक और सपोर्ट है। और उस लेकिन मेरा मानना है कि आप इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस ही लगाइएगा 1160 के आसपास का, अगर केवल मोमेंटम कैप्चर के लिए आप कर रहे हैं तो। आइए दोस्तों, अब हम ग्रेफाइट इंडिया के चार्ट को देख लेते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले लॉन्ग चार्ट देखना चाहूंगा दोस्तों, 5 ईयर के चार्ट पे अगर दोस्तों मैं इसको देखूं तो ये जो एरिया है इसका 390 से 400 रुपए के आसपास का, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका बन सकता है।
तो आप अगर इसको नई पोजीशन बना रहे हैं तो 400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि पहले ये काफी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, तो कि अब ये काफी सपोर्ट मिल चुका है। जो पहला टारगेट दोस्तों इसमें मिल रहा है वो 480 रुपए के आसपास का मिल रहा है, और दूसरा टारगेट हम इसमें 600 रुपए तक के आसपास का लेके चल सकते हैं। लेकिन जैसा कि HEG इंडिया में भी था, ये स्टॉक को भी अगर मैं 1 मंथ के में एनालाइज करूं तो ये स्टॉक भी हमारा ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है। और आप ये देखिए इसने कितना एक्यूमुलेशन किया और फिर इसने क्या गजब ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि जैसे ग्रेफाइट इंडिया का था कि उसने भी आज सुबह ही राइज दी थी, वैसे ही इसने भी, जैसे HEG ने राइज दी थी वैसे इसने ही राइज दी, और फिर उसके बाद ये इसने आज पूरे दिन एक्यूमुलेशन ही किया है। और लेकिन ये लास्ट कैंडल जो इसकी है वो रेड है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो अगर आपको ये कल अच्छा दिखे, आधा 1% मान लीजिए आप दिखे, मार्केट भी पॉजिटिव दिखे, तो आप खरीदिएगा। लेकिन अगर 5-6% आपको अब दिखे तो मत खरीदिएगा, क्योंकि वहां से फिर गिरने की चांसेस इसकी ज्यादा रहेंगी। आइए दोस्तों, हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार और समराइज कर लेते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, इसे आप ट्रेड रिकमेंडेशन मान के मत चलिएगा। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, आपके लॉसेस के लिए हम किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर मैं ग्रेफाइट इंडिया की बात करूं तो आप इसको CMP पे खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट 480 के आसपास, लॉन्ग टर्म टारगेट 600, स्टॉप लॉस क्योंकि हम मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं इसलिए छोटा सा 400 का लगाइएगा। HEG की दोस्तों मैं बात करूं तो आप इसको करेंट प्राइस के आसपास खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट 1400 और लॉन्ग टर्म टारगेट 2000, इसमें भी शॉर्ट स्टॉप लॉस में बस छोटा सा 2-3% का ही सजेस्ट करूंगा, 1173 रुपये का। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए HEG में, वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द ही उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।